बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ जहांगीर अय्याद, आप देख रहे हैं वोट न्यूज़ 42। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ बहुत ही सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं जिन्होंने जनरल ज़िया के जब त्यारे को तबाही का सामना हुआ तो सबसे जो पहले ख़बर पूरे मुल्क के अंदर जो अपना पहुंची तो वो इनके तवस्से से पहुंची। यानी सुबह का जो अखबार था उसके अंदर जनरल ज़िया जो सदर थे उस वक्त उनके जो त्यारे के जो भी मामलात हुए तो ये वो पहले सहाफ़ी थे जिन्होंने उस खबर को ब्रेक किया। हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि उस वक्त जब ना तो इंटरनेट की सहूलत मौजूद थी और सोशल मीडिया कहीं देखने को नहीं मिलता था तो इतने पक्के सोर्सेज और इतनी पक्की जो अपना जो खबर थी वो उन्होंने किस तरह से हासिल की और फिर उसके बाद उसके क्या असरात मुरतब हुए। अस्सलाम वालेकुम जनाब ताहिर साहब, क्या हाल चाल है? मुझे तो ताहिर साहब ही पता, पूरा नाम बताएं। मोहम्मद ताहिर। मोहम्मद ताहिर, ठीक है। अच्छा, बड़ी बहुत बड़ी खबर थी। मैं खुद छोटा सा ही था उस वक्त, तकरीबन कोई मेरे ख्याल कोई होगी 10-12 साल उम्र होगी। तो जनरल ज़िया का जो त्यारा जब फटा, ठीक है, तो पूरे मुल्क के अंदर जो है ना शाम के वक्त पीटीवी का दौर था उस वक्त, आपको पता है, तो मतलब हाहाकार मच गए। तो सुबह खबरों में आपके नाम से खबरें चली इसी तरह। तो कैसे वो मतलब सारा वाकया बताएं कुछ हमें थोड़ा सा। सर, वो हमारे कुछ सोर्सेस थे तो खबर जब मुझे पता चली मैंने फिर कंफर्म किया। अच्छा, कंफर्म करने के बाद मैंने फिर अपने लाहौर जंग दफ्तर को, क्योंकि मैं न्यूज़ एजेंट भी था। अच्छा अच्छा। मैंने कहा कि ये हमारे अखबार जो शोरकोट सिटी जो कैंड के है ना, कल 1-1 हज़ार भेजना। अच्छा, उस वक्त शोरकोट में आपने ये अपना, शोरकोट कितना दूर है मुल्तान से? ये लाहौर से तकरीबन 200 किलोमीटर बनता है। और मुल्तान से? मुल्तान से 120। अच्छा अच्छा, सही। तो जब आपको आपने वो खबर ब्रेक की तो उसके बाद आपको क्या उसका रिस्पांस क्या मिला? मुझे मालिक जो जी 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 उनकी तरफ से 5,000 रुपया इनाम मुझे उन्होंने बजरिया मनी ऑर्डर भेजा मुझे। अच्छा, 5,000 रुपया इनाम जो है बजरिया मनी ऑर्डर। वो इधर ही बैठे थे दफ्तर में लाहौर में। अच्छा, हमारे सर्कुलेशन मैनेजर शौकत साहब। अच्छा, मैंने उनको जब अखबार का कहा ना तो उन्होंने मजाकन मुझे कहा कि इसमें आम रखने हैं आपने। अच्छा, मैं कहा नहीं सर, इस तरह करके ना जहाँ का त्यारा क्रैश हो गया। अच्छा, तो ये खबर इसलिए मैंने आपको अखबार इजाफा करने का कहा है। अच्छा अच्छा। उनका एक मिनट उन्होंने फिर मीर साहब से, क्योंकि साथ ही अच्छा, अभी न्यूज रूम में नहीं पता था खबर, किसी को नहीं पता था। अच्छा अच्छा, यानी न्यूज रूम उस वक्त का न्यूज रूम तो बहुत ही आइसोलेटेड होता था। जी सर, उसमें मतलब कोई खबर टेली ऑपरेटर होता था उसके, ठीक है। तो आपने खबर किस तरह उनको फोन पे कन्वे? फोन पे मैंने सर्कुलेशन में असल में तो इजाफा करना था अखबार का। अच्छा, क्योंकि एजेंट था मैं। अच्छा, उसके साथ फिर उन्होंने फिर मेरी बात करवाई। अच्छा अच्छा अच्छा, यानी आपने कहा कि ये खबर लगाएं और जो अखबारात हैं उनकी प्रिंटिंग में भी इजाफा करें। हाँ जी, 1,000। अभी न्यूज रूम को नहीं पता, किसी को भी नहीं पता था। अच्छा, मुल्तान या बहावलपुर वालों को नहीं पता था। अच्छा, नहीं आपने तो सोचा ना कि यार आज त्यारा क्रैश हो गया है, अखबार बहुत ज्यादा, इसमें कुछ आपके जेन में ये था ठीक हाँ। है ना, लेकिन ये खबर आपको नहीं पता था कि ये बहुत बड़ी खबर बनने वाली है। नहीं, लेकिन उन्होंने जब मेरी बात की ना तो उन्होंने एक मिनट। अच्छा, उन्होंने बड़े मीर साहब का कमरा सा, उन्होंने कहा जी ये खबर आई है शोरकोट से, हमारे नुमाइंदे भी हैं, हमारे न्यूज एजेंट भी हैं। अच्छा, कि ज़िया का त्यारा क्रैश हो गया। ज़िया का त्यारा क्रैश हो गया। हाँ बेटे, ये पक्की खबर है। मैं कहा जी मैंने कंफर्म करके आपको बता दी है। अच्छा, अब आप बहावलपुर से या मुल्तान से मज़ीद कंफर्म। अच्छा, वो जो खबर चली तो वो आपकी उसमें क्रेडिट लाइन फिर डाली इन्होंने? बिल्कुल डाली। अच्छा, मेरे पास अभी भी अखबार पड़ा है, सही। दो तीन और अखबार थे उन्होंने मेरे नाम से भी कहता प्रिंट हुई थी। अच्छा अच्छा, तो ज़िया का दौर जो है वो किस तरह देखते हैं आप? बस सर, दौर तो आदमी जो आते हैं ना उसकी कोशिश होती है कि मैं कुछ करूं। अच्छा, लेकिन आगे जो है ना उनके दाएं बाएं वो नहीं करने देते। अच्छा, ये बताएं कि उधर जब ये त्यारा वगैरह क्रैश हुआ तो आपको मौके पर जाने का मौका मिला? नहीं सर, क्योंकि बहावलपुर में था तो हम तो शोरकोट कैंट में थे। अच्छा, तो 200 से भी ज्यादा किलोमीटर बनता है वो फासला। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं तो इनका बहावलपुर वगैरह में कोई मतलब नहीं था नुमाइंदा वगैरह? नहीं, नुमाइंदे थे लेकिन उनकी खबरें भी बाद में गई हैं। अच्छा अच्छा, हाँ। यानी उनकी खबरें बाद में गई, पहले आपने भी? मैंने पहले बड़े मीर साहब से बात हुई। अच्छा,
फिर इसी वजह से उन्होंने मुझे इनाम के तौर पे 5,000 रुपया भेजा बिजली मनी ऑर्डर, उसकी रिसीद मेरे पास पड़ी, मैं रखी। अच्छा, चले ये भी बड़ी बात है, उन्होंने आपकी खबर तो बहुत ही बड़ी थी, बहुत ही बड़ी खबर थी है। तो जो 5,000 रुपये ने आपके ऊपर वो मोर सबत कर दी कि भाई खबर साड़ी है। अच्छा, उसके बाद फिर आपको उन्होंने आपको मेरे ख्याल परमानेंट कोई ओहदा भी नहीं, नहीं बताओ नुमाइंदा जो काम कर रहे हैं आज नुमाइंदा हाँ। लेकिन सीनियर नुमाइंदा तो हैं आप उनके? हाँ, इसमें तो कोई नहीं, 52 साल 8 महीने आज हो गया है। अच्छा, बल्कि 2 दिनों पर। अच्छा, 7/7/70 को मेरा कार्ड जिसके जुल्फकार अली भुट्टो ने दक्षत किए थे, वो भी हनीफ रामे साहब ने करवाए। अच्छा, वो हनीफ रामे साहब ने आपको नुमाइंदा बनाया, न्यूज एजेंट भी उन्होंने, उधर से शौक शुरू हुआ मुझे। अच्छा, तो भुट्टो साहब ने क्या किया उनके? फिर मुलाकात करवाई उन्होंने हनीफ रामे साहब। हनीफ रामे साहब बहुत करीब थे ना भुट्टो के? वो अभी तंदीमी दौरे पे आए थे, ये 17-18 की बात है। हनीफ रामे साहब का कैसे तल्लुक हुआ? वो तो अराई बरादरी से है। पर हम भी अराई हैं। अच्छा, तुम आज तुसी भी अराई हैं तो मैं भी अराई हैं, छोड़ो गला खत्म हो गया, वो भी अराई नहीं, ठीक है। अच्छा, यानी किताबों की दुकान थी ये। अच्छा, हनीफ रामे साहब बड़ी बड़ी उनके भांजा वहां बैठता था, उनके भाई भी बैठते थे, तो हमारी भी किताबों की दुकान थी शोरकोट कैंट में। अच्छा, आपको लगता था कि मैं ये खबर तो दे रहा हूँ, इतनी बड़ी खबर हो गई है, लगता था आपको? नहीं लगता था। नहीं लगा कि यार सदर जहाज मतलब तबाह हो गया? पर मुझे जो लालच था ये था कि कल अखबार जो अखबार तगड़े आने चाहिए। अच्छा, अखबार वाव भर के भेजो भाई। अच्छा, आपको देखिए, आप एजेंट थे हाँ जी, लेकिन न्यूज सेंस आपकी बड़ी तेज थी उस वक्त में। हाँ जी, यार ऐ खबर लग गई ना तो मेरे 2,500 अखबार निकल जाने। कोई शक? अच्छा, बढ़िया। वो कहीं ना कहीं आपके अंदर साफी बैठा हुआ था, साफी आपके अंदर बैठा हुआ था कहीं ना कहीं, है इसी तरह माइंड के अंदर? हाँ जी बिल्कुल, साफी बैठा हुआ था। यार ऐसा अखबार दे, ऐस खबर दे, बड़े अखबार बिकने। सही बात। अच्छा, आज आपको 51 ईयर्स हो गए हैं सहाफत से, सहाफत के 52 ईयर्स हो गए सहाफत के पेशे से मुंसलिक हुए। अच्छा, तो क्या इसमें क्या तब्दीली क्या देखी? जो पहली सहाफत थी ना, पहले जो लोग थे ना आज नहीं है। अच्छा, किसी दफ्तर में जाएं तारुफ कराएं तो इज्जत रिस्पेक्ट बड़ी मिलती थी। और मैंने तो आज तक यानी कि किसी से एक रुपये का रवादार नहीं है, नहीं है, खबर रुकवाने पे, खबर दलवाने पे आज तक। तो अच्छा, ये बताएं कि आज का साफी किस तरह का होना चाहिए, ये बताएं बस। मसाइल उसको बहुत है, आपका बड़ा तजर्बा है, 52 ईयर्स हैं, कैसा होना चाहिए साफी? अच्छा, ये जो हमारे ऊपर बैठे हैं ना, ये उनका प्रेशर है आज करना साफियों में भी। अच्छा, मजबूरी है, ये पहले दौर में नहीं थी। नहीं, ये प्रेशर तो दुनिया जब से बनी है तब से मौजूद है। अब इस प्रेशर के साथ साथ जो है हमने मुल्क और कौम के लिए भी कुछ करना है। करना तो है जी, कर भी रहे हैं, चाहे वो कोई उसकी कहने में कोई सजाएं भी हो, वो मतलब जान से भी हाथ धोते हैं, बहुत सारे साफी ऐसे हैं। अच्छा, आप नहीं समझते कि इतना कोई खास फर्क है? जो सहाफी काम करने वाला है वो आज भी उसी तरह ही मतलब जो है अटल खड़ा हुआ है, खड़ा है, कोई शक नहीं। अच्छा, जनरल जिया की जो तैयारी की तबाही की खबर आपने दी, उसके बाद कोई बड़ी खबर आपके पास हाथ लगी? उसके बाद सर ये नवाज शरीफ, गया थी सऊदी अरब 10-12 साल के लिए। अच्छा, इनका एक मुआदा हुआ था फिर वापस आने का पाकिस्तान, वो खबर भी मेरी। अच्छा, वो भी खबर आपका मुआदा हो गया? हाँ जी। हाँ, अच्छा, बड़ी खबरें, ये तो बहुत बड़ी बड़ी खबरें। उसमें पूरी डिटेल तो वो कि कब उन्होंने, किसने पहले लंदन जाना है सऊदी अरब से। अच्छा, अच्छा, अच्छा। लंदन से किसने पाकिस्तान आना है, मैं वो आपको ना व्हाट्सएप कराऊंगा। अच्छा, हाँ इंशाल्लाह, बहुत बड़ी खबर ये भी। हाँ, क्योंकि उस वक्त मुशर्रफ और वो जो चल रहा था तो यहाँ पे सारी मतलब नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ बेताब थे कि पाकिस्तान किस तरह जाए, बिल्कुल उनकी जान जो थी ना वो फंसी हुई थी। तो वो मुआहदा जब हुआ तो उनको रिलीफ मिला, उसके बाद फिर हमारी पूरी पॉलिटिक्स जो है उसका एक मंजरनामा फिर तब्दील हो गया। ये भी एक बड़ी खबर है। तो इस पे फिर आपको, इस पे भी कोई अपना प्यार मोहब्बत किया?
या उन्होंने कहा कि बंदा अब ये हमारा पक्की खबरें देने वाला बंदा है? नहीं, बस वो एक हमारे फैसलाबाद के हैं, डेली बिजनेस रिपोर्ट डेली बिजनेस रिपोर्ट। अच्छा, रिपोर्ट गाजी अब्दुल रशीद साहब उनका नाम। अच्छा 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 अच्छा। तो उन्होंने वो मेरे नाम की ना फ्रेंड पे मतलब भाई नेम खबर लगाई थी, वो वाली। अच्छा अच्छा। कि मुआहदा हो गया। तो जंग ने ली, जंग ने लगाई थी अंदर की सतह का वो। अच्छा, पहले थे। लेकिन जंग को अभी खबर नहीं, उसको पता चला होगा इतनी बड़ी खबर है। हाँ जी, तो खबर तो ये भी बड़ी है, मंदिर भाई साहब के शायद नाम सुना जंग में रहे हैं, वो मेरे मेहरबान थे। अच्छा अच्छा। तो वो उनकी सिस्टर थी उधर एयरफोर्स में, वहाँ अफसर थी उधर, वो जाते आते रहते थे। तो जब वो खबर गई ना टेबल पे जी जंग, तो उन्होंने कहा यार ये खबर है तो अच्छा। उन्होंने कहा मंदिर साहब आ गया। उन्होंने कहा मंदिर साहब ए खबर तो देखी हो, ये इतों आई है कि शोरपुर कैंट तो। उन्होंने कहा ला दिया, बिल्कुल गलत नहीं हो सकता। अच्छा। बस उन्होंने कहा सर पढ़ के तो देखो, एड्डा वा शहर है, एड्डी वी खबर। उन्होंने कहा यार मैं थानू जो कह रहा है। अच्छा, आपकी उम्र कितनी अभी? मेरी आज कोई 70 साल। 70 साल हो गई? 70 साल हो गई, 70 साल ऊपर ही है बस। माशाल्लाह, 3 महीने। अच्छा, रिटायर नहीं, रिटायरमेंट का भी कोई सीन बाट नहीं है? नहीं, सोचे ही नहीं। अच्छा, साफी रिटायर नहीं होता है? नहीं होता नहीं रिटायर, ये जिंदा मसाला मौजूद है हमारे सामने। सही। तो नाज़िम मोहम्मद ताहिर साहब जो है, देखिए अब्दुल्ला मोहम्मद ताहिर साहब जो है हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, इतनी बड़ी बड़ी खबरें इन्होंने ब्रेक की और उसके बाद जो है तहलका मच गया, मुल्क का मंजरनामा बदल गया जब भुट्टो अपना मोहम्मद ज़िया का जब प्यारा क्रैश हुआ, तो उस खबर के बाद भी मुल्क के अंदर जो पॉलिटिक्स जो थी वो इंटायरली मुख्तलिफ हो गई। फिर जब अपना मियां नवाज शरीफ साहब और इन शहबाज शरीफ साहब का परवेज़ मुशर्रफ साहब से मुआहदा हुआ, तो वो भी एक बहुत बड़ी खबर थी। तो नाज़रीन, ये इनके क्रेडिट पे काम है, माशाल्लाह 50 और 51 साल की इनकी मतलब ये सर्विस है, और अभी भी जो है ये नहीं सोच रहे कि मैं रिटायर हुआ हूँ और ना ही रिटायर होना है, ठीक है। तो इसका मतलब बड़ी खबरें और जो है वो आने वाली हैं। तो नाज़रीन, इसी मुख्तसर से तारफ और इनकी कामयाब खबरों के साथ मैं आपका हो जाऊँगी रियात, आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ने